जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ एक वैकेंसी लेकर, जो कि वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये अपकमिंग वैकेंसी है, हालांकि 9 तारीख को ये पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका है, क्योंकि वैकेंसी NFL से वैकेंसी आ रही है। NFL ये विभाग जो है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी में लिस्टेड है, तो यहाँ से वैकेंसी निकाला गया है। ITI डिप्लोमा डिग्री वाले भी सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ थोड़ा सा डाटा आप लोगों को मैं दे दूँ। देखो, बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी रिलीज हुआ, टोटल 336 पोस्ट वैकेंसी रिलीज हुआ यहाँ पे ना। ITI वाले जो भी बंदा है, जैसे कि इंस्टोमेशन से किया है, ऑटोमोबाइल से किया है, टर्नर से किया है, डीजल मैकेनिक से किया है, इंस्टोमेशन से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, एक्सरे से किया है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मैं एक एक कर मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो बड़ा बड़ा पोस्ट है मैं उसको थोड़ा सा बताता एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है, पानीपत हरियाणा से वैकेंसी आपको निकल के आ रही है। एक कनिष्ठ अभियंता सहायक ग्रेड 2 उत्पादन में 108 पोस्ट है, यांत्रिक में, मतलब कि कनिष्ठ वाला ही पोस्ट है, मतलब कि जिसको आप लोग JEE बोलते हैं, ठीक है। इसमें यांत्रिक में आप लोग का 6 सीट है। उसके बाद से कनिष्ठ अभियंता सहायक ग्रेड 2 में ही इंस्ट्रूमेशन वाले के लिए 33 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता सहायक ग्रेड 2 में ही विद्युत के लिए यहाँ 14 सीट पे है। उसके बाद से कनिष्ठ अभियंता सहायक ग्रेड 2 में रासायनिक प्रयोगशाला वाले के लिए 10 पोस्ट है। लोको परिचालक के लिए 19 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन वाले के लिए, अब यहाँ से ना ITI वाले का चार्ट हो गया, ड्राफ्टमैन वाले के लिए 4 पे वैकेंसी रिलीज हुआ है। नर्स के लिए यहाँ पे पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है। मैं आप लोगों को पूरा डाटा मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा इतना डाटा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिव हो जाओ। देखो, नर्स के लिए 10, देखो जैसे कि जो भी स्टूडेंट है GNM NM ये सब कोर्स किए हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे फिटर वाले के लिए 40 पोस्ट वैकेंसी आ रही है, 40 पोस्ट है, ठीक है, कम नहीं है, 40 है। वेल्डर वाले के लिए भी आप लोग, वेल्डर वाले के लिए कम है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का ऑटोमोबाइल के लिए 2 है, डीजल मैकेनिक वाले के लिए 2 है, टर्नर के लिए 3 है, मैकेनिकल वाले के लिए 2 है, इंस्ट्रूमेशन वाले के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 2 है। तो मिला जुला के आप लोग का सीट की संख्या टोटल जब काउंट करोगे तो 336 पोस्ट वैकेंसी रिलीज हुआ है। और भी बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है, मैं आप लोग को डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा सेपरेटली। अभी ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, तो शॉर्ट में ही आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ये टोटल जो आप लोग का वैकेंसी निकला हुआ है, ये सरकारी है, परमानेंटली जॉब है, सुख सुविधा अपर लेवल वाली मिलती है, यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से ही चलिए आप लोगों को 35 से 40 के बीच में मिलेगा आप लोगों को। और हाँ, यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी जो आ रही है, ये ऐसा नहीं कि 5 साल 4 साल के लिए, ये परमानेंटली जॉब रहेगी। तो बिना डरे एकदम अपना फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, मैं आप लोगों को डाटा दे दूंगा, पूरा शेयर करूंगा, सब चीज़ बताऊंगा, एज सैलरी सिलेबस एग्जाम पैटर्न सब चीज़। हालांकि मैं मोटा मोटा वो कुछ जो भी चीज़ है था डाटा मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ, हालांकि ठीक है। अब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, और वैकेंसी ये आप लोग का आ रही है बहुत जल्दी, आप लोग को 1 से 2 दिन में आप लोग को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, आज आ जाएगी, तो मैं आज शाम तक या फिर आप लोगों को रात तक मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं, तब तक याद दीजिए, वंदे मातरम।